चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली पहेली आपकी ये है, वे कौन है जिससे आपकी कैसी दुश्मनी भी नहीं हो लेकिन फिर भी वे आपके खून के प्यासी है? कौन हो सकता है, क्या हो सकता है इसका जवाब, आप मुझे सोच के बताइए। अगर आप इतने ही शार्प माइंडेड हैं, इतने ही जीनियस हैं, आपके पास है 10 सेकंड्स, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। इसका जवाब है जू, जिससे कोई दुश्मनी भी नहीं होती और फिर भी हमारे खून की प्यासी होती है। अब आपसे मैं पूछूंगी नेक्स्ट पहेली, वह कौन सी चीज है जिसे अगर तोड़ दिया जाए तो तोड़ देने पर भी कोई आवाज नहीं आती? बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। आपके पास इस सवाल का जवाब देने के लिए है 10 सेकंड्स, तो जल्दी सोचिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है, वादा। अगर तोड़ दिया जाए तो तोड़ देने की कोई आवाज भी नहीं आती, है ना कितना लॉजिकल और आसान आंसर। अब आपसे मैं पूछती हूँ नेक्स्ट पहेली, उसका नाम बताइए जिसको पीटने पर लोगों को बहुत मजा आता है। सोचिए सोचिए, बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिकल आंसर है इसका। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सोचा आपने, मैं आपको इसका आंसर देती हूँ, ढोलक, जिसको पीटने में लोगों को बहुत मजा आता है। जी हाँ, क्योंकि वो खुशी में पीटी जाती है। अब आपसे मैं पूछती हूँ नेक्स्ट पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा तो समुद्र में होती है लेकिन रहती घर में है? तो सोचिए, इसका बहुत ही लॉजिक आंसर और बहुत ही अच्छा और आसान आंसर है। इसका नाम है नमक। नमक एक ऐसी चीज है जो पैदा तो समुद्र से होती है और लेकिन पाई कहाँ जाती है, घर में, रहती कहाँ पर है, घर में। तो हुआ ना कितना लॉजिक और कितना आसान सा जवाब। अब आपसे मैं पूछती हूँ नेक्स्ट पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जिसे काटने पर लोग गाना गाने लगते हैं? आप खुद सोचिए, बहुत ही आसान आंसर है इसका, हर कोई बहुत खुशी से काटता है और गाना गाता है। उसका नाम है बर्थडे केक। बर्थडे केक पर लोग काटते हैं और लोग गाना गाते हैं, खुश रहते हैं। जी हाँ, तो प्लीज अब देरी मत कीजिए, अगर आपको वीडियो मेरा इतना अच्छा लगा है, इतना ज्यादा पसंद करे, उसको बहुत सारा लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ में फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।